हिंदुस्तान गैजेट की टीम ने मुआयना किया, यहाँ के ताजा हालात दिखाए और देखिए हमारा कैमरामैन भी हिल रहा है जब यहाँ से गाड़ी गुजर रही है। अब आप जान सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्याएं हैं। बहरहाल ये क्या काम चल रहा है? ये उल्टा डूब गया था ना, तो उसी को निकालने वही काम करा रहे हैं। अच्छा, कैसे मतलब कैसे ऊपर आएगा ये आ रहा? इंजन से आएगा, इंजन से आ जाएगा। आ गया, कितनी देर लगेगी? घंटा भर में आ जाएगा। आपका क्या काम, आपका क्या जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है इसको निकाल के सही कर देना। अच्छा, मरम्मत करना? हाँ, अभी हम सही कर देंगे इसको। आप कौन से विभाग से आते हैं? नगर निगम जी। ये झीरी एक पैर के लगभग है, हम आपको दिखा रहे, करीब से दिखाइए थोड़ा। एक पैर का चला जा रहा था, आप सोच सकते हैं, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अगर बच्चा इसके अंदर गिरेगा तो बच्चे की टांग भी टूट सकती है और बाद बच्चे ऐसे दुबले होते हैं कि शायद वो इसके अंदर फंस भी जाए जाकर के। रात बिरात जाते हैं, यहाँ लाइट भी नहीं है। इधर दिखाइए, इधर देखिए पन्नी बांध बांध के काम को चलाया जा रहा है। देखिए बहुत रिस्की है, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, बहुत रिस्की है। पन्नी बांध के जिस तरह से काम को चलाया जा रहा है, ये मरम्मत कार्य है। मरम्मत कार्य ज्यादा टाइम तक नहीं टिकता है। क्या इसी वजह है कि सरकार के पास क्या बजट खत्म हो गया है? देखिए पटरे भी गल चुके हैं, हम आपको बिल्कुल करीब से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पटरे भी गल चुके हैं, ये देखिए। और इतना खराब ये पुल हो चुका है कि इसमें जान जाना संभव है। ये देखिए कितनी बड़ी झीरी है, इधर दिखाइए, सीधा पानी दिख रहा है। कोई अगर गिर जाए इसके अंदर तो वो जिंदा नहीं बचेगा, ये पटरे पूरे हिल रहे हैं। तो सरकार को एक मैसेज जाना बेहद जरूरी, ताकि सरकार की पहनी निगाहें जो इस पुल के ऊपर होनी चाहिए, इस पुल के ऊपर टिकी होनी चाहिए। देखिए बच्चे भी छोटे छोटे खड़े हैं, दिखाइए जरा, देखिए छोटे छोटे मासूम बच्चे भी खड़े हैं। ये लोग आ रहे हैं खेलते कूदते, ना समझ बच्चे होते हैं, खेलते कूदते अगर इसके अंदर गिर जाएं तो जान उनकी जा सकती है। तो देखिए ये जो पुल ढसा हुआ है, हम यहाँ पे हैं, हालांकि हमें भी डर लग रहा है, ऐसा ना हो कि हम नीचे चले जाएं, हम चले जाएं, लेकिन एक ऐसा भयावह तस्वीर है जो डरा देने वाली है। यहाँ पे लोग जाने के लिए भी इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग खड़े, कुछ हमारे साथ महिलाएं भी हैं। आप कहाँ रहती हैं? काशी बिहार। तो ये पुल से रोज गुजरना होता है जी? आप लोगों को डर नहीं लगता है? काहे का डर नहीं लगता, ये मौत का रास्ता है, घटना हो सकती है। है तो क्या करें, अब जाना है तो जाना है, और कोई उधर से तो पैदल का कोई रास्ता भी तो नहीं है। अरे मैं खड़ा हूँ, मुझे डर लग रहा है, कई पटरे हिल रहे हैं, लकड़ी का बना हुआ ना। तो आप लोगों ने कभी शिकायत की प्रशासन से, या कोई कुछ लोग आए यहाँ पे, या बजट वजट की बात की गई, या कोई नेता आया? कोई आदमी एक्शन नहीं लेता। अरे आजकल चुनाव का माहौल चल रहा है, नेता वेता आते रहते हैं स्पीच देने, बुला लो किसी ने पकड़ के यहाँ। नेता यहाँ अरे क्यों नहीं आएगा, वोट मांगने आता, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। लखनऊ स्मार्ट सिटी को बिल्कुल कूड़ा खान बना के रखा है। सही तो कह रहे हैं भैया, स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, ले आओ स्मार्ट सिटी। नेता एमएलए, उनसे कभी कहा किसी ने? कहा तो आप जैसे लोग आते हैं, वही आवाज उठाते हैं, वही पहुंचती है वहां से लग के आवाज, लेकिन हुआ आज तक कुछ नहीं। सोशल मीडिया पे इसकी तस्वीरें वायरल हुई तब मैं आया यहाँ। सोशल मीडिया पे बहुत वीडियो पड़ी है, बहुत दफा प्रेस वाले आए, लेकिन हुआ अभी लग के कुछ नहीं, बस सुनते हैं होएगा। लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, भाजपा के मंत्री जाके पानी पी पी कर बोल रहे हैं विकास हो गया, 82 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है और सड़कें बनाई जा रही है, क्या ये हुआ? वो सिर्फ जुमलेबाजी है, बस जुमलेबाजी है, सिर्फ जुमलेबाजी है, कुछ नहीं है। बनेगा पुल, बनेगा पुल, बनेगा, आज लग के पुल ही नहीं बना, और ना मेरे ख्याल से बनेगा ये। अच्छा बारिश वगैरह होती होगी, पानी पानी नदी में भर जाता है? बारिश होती है, वहाँ से पुल खोल के हटा दिया जाता है। अच्छा हटा दिया जाता है, आदमी को इतनी दिक्कत होती है बता नहीं सकते हम। अच्छा नगर निगम वालों का इतना दिमाग है, पानी भर जाता नदी तो ये पुल हटा देते हैं। आदमी आता है भाई अपने खर्चे ना, आप लोग चलाते हैं? अरे फोकस करो इनके ऊपर यार, फोकस करो ना, कैसे चलाते हो तो बताओ। हाँ मतलब रस्सी बांध दिए जाती है भाई, चलाई जाती है, मतलब कि सबको गाड़ी आड़ी सब रख लेते हैं, तो आने जाने का रास्ता बंद हो जाता है। हाँ ये पुल मतलब कि बह ना जाए तो इसलिए किनारे कर दिया जाता है। ये बताओ नाव बह जाती है? अच्छा नाव बह जाती है। हाँ एक दो लोग तो पैर नहीं पाते, वो बूढ़ जाते हैं इसलिए पकड़ लिया जाता है हम लोग जैसे पैराकू, इसलिए तुम लोग तैरना जानते हो इसलिए बचा लेते हो। ये बताओ सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हो? लोकसभा चुनाव है, यही बनवा दे बस, और क्या चाहिए? क्या रहे चाचा, क्या नाम है? अच्छा कहा बताओ जाए, क्या कहते हैं, क्या परेशानी है आपको बताइए? अरे परेशानी है क्या बताया, देख रहे हो कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं, और क्या, घर जा रहे हैं। ये बताइए पुल टूटा हुआ है, आप घर जा रहे हैं तो क्या करें बताइए, कैसे, या तो घूम के जाए फिर। मान लीजिए आसमान वाला ना करे, आपको अगर चोट लग जाए तो जिम्मेदारी किसकी होगी? जिम्मेदारी किसकी, अपनी जिम्मेदारी है और किसकी जिम्मेदारी भैया, यहाँ तो किसी की जिम्मेदारी है क्या?
चोट आपके लगे, पुल खराब है और जिम्मेदारी आपकी अपनी होगी। तो हमारी तो हम जा रहे हैं तो हमारी तो जिम्मेदारी, और हम समझ गए हैं सरकार को नहीं घेरना चाह रहे हैं, आप सरकार को नहीं कहना चाह रहे हैं, समझ गए। हमारे घेरने से सरकार घिर जाएगी भाई, आप आम जनता हैं, आपको अधिकार है, बात कर सकते हैं। अरे परेशानी देखिए कितनी है, सभी को है परेशानी, हम इसमें क्या कर सकते हैं भाई। पकड़ लीजिए। क्या रोज की समस्या आती? नहीं रोज तो नहीं आती, लेकिन ये रहती तो है, समस्या तो रहती है। बन जाए, पक्का पुल बन जाए तो ज्यादा अच्छा है, पब्लिक को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। क्या लगता बनेगा? देखो उम्मीद तो है, उम्मीद की जा सकती है बस, और हम लोग बता ही क्या सकते हैं। क्या आप चाहते हैं ये पक्का पुल बने? बिल्कुल सर चाहते हैं, तो सबके लिए सुविधा भी अच्छी होगी। रोज आना जाना है? हाँ सर। अभी डर नहीं लगता है? नहीं डर क्यों लगेगा सर, लेकिन बनना चाहिए। डर तो वैसे तो लगता ही है कि बाई चांस कोई दिक्कत हो जाए। बीजेपी की सरकार है, वो तो कह रही काम चल रहा था, बलिया चल सर, क्या बताया जाए, बीजेपी सरकार है तो मैं क्या बता सकते हैं। देखिए उधर भी पुल डस रहा है। बिल्कुल सर, उधर भी दिक्कत तो पूरे पुल पे ही है। हम लोग निकलते हैं तो जान हथेली पे लेके निकलते हैं, लेकिन मजबूरी है, क्या किया जाए। मैंने तभी तो कहा कि मौत का रास्ता ही है। नहीं बिल्कुल सर, तभी तो मौत दस्तक दे सकती है। बिल्कुल उसमें कोई सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लाइटें भी नहीं लगी, रात बिरात गिर जाए तो पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा, और अंदर ही फड़फड़ाता रहेगा। इतने टाइम से ये पुल ऐसा ही है, करीब करीब 20 साल से ऐसे पड़ा हुआ है। आप जब बड़े हुए हैं कब से देख रहे हैं इस पुल को? हमारे क्या 10 साल हो गए इधर आए हुए हैं, तब से ऐसे देख रहा हूँ। इसका कोई मरम्मत ही नहीं हो रही है, अपना पुल बन रहा है, भाई जब कोई आ जाए इधर उधर से बराबर से गिर जाए तो मर ही जाएगा। अब कोई लाइट भी नहीं दिख रही इधर। सरकार को इतनी चिंता होती तो आपकी जो समस्या है ना वो कब की हल हो जाती, और भारत देश सबसे आगे निकल गया होता, लेकिन अफसोस की बात ये पीछे हो गया है। तो पीछे जाके जाना है तो उनके ऊपर डिपेंड है, वो जाओ चाहे बताओ छोली पे चढ़ा दे या तो ऊपर उठा दे, बस उन्हीं के ऊपर डिपेंड है। जिम्मेदार किसको ठहराना चाहते हैं? तो सरकार को देखना चाहिए, जनता क्या कर रही है, कैसे जनता हमारी परेशान है, क्या सुकून में है क्या नहीं है, उसको देखना चाहिए। डबल इंजन की सरकार है तो जबल इंजन की सरकार को देखना चाहिए, कैसे किस तरीके से ये हमारी जनता परेशान है या मुसीबत में, कैसे है कैसे नहीं है, उसको परेशानी देखना चाहिए जनता को, और जनता उनको सपोर्ट करेगी। अब जनता को नहीं देखोगे जनता क्या करेगी बताइए। अच्छा नेता जब स्पीच देने आते हैं, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, नेता आ रहे होंगे, बड़े मजे से बैठते होगे, रसगुल्ला खाते होगे, चाय पीते होगे तुम? अरे नेता लोग तो कहते हैं बालू सा खाओ और ऊपर को उलारो मुंह फैलाओ तो वही गप से अंदर आएगा। अब जब गिर, क्या नाम है आपका? अली रजा। अली रजा जी ये बताइए पानी क्यों निकाल रहे हैं? ये पानी इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि ये पीपा जो है इसके अंदर पानी भर गया, जिसकी वजह से रास्ता बंद हो गया है। तब इस पीपे का पानी निकालेंगे तब ये ऊपर आ जाएगा, तब रास्ता फिर से चालू हो जाएगा। अच्छा ये लकड़ी का जो धस गया है नीचे, ये ऊपर आ जाएगा? ये ऊपर आ जाएगा। ये बताइए आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम लखनऊ के ही रहने वाले, यही फैजुल्लागंज के रहने वाले हैं। तो फैजुल्लागंज का रास्ता जाता ही है? यही रास्ता है। क्या चाहते हैं कि ये जिंदगी भर ऐसे ही रहे पुल? यार ये तो सवाल ही बड़ा अजीब है कि हम चाहते हैं जिंदगी भर ऐसे ही रहे। जितनी परेशानी यहाँ पे हमको, बल्कि यहाँ पे 400,000 की आबादी है फैजुल्लागंज की, सबको यही परेशानी है। लखनऊ कैपिटल के अंदर ऐसा पुल है, ये भी बड़ी शर्मनाक बात है। लेकिन ये है कि अब सरकार कुछ करेगी इसके ऊपर, आप लोग मीडिया के थ्रू कुछ बात पहुंचाइएगा। स्मार्ट सिटी की बात कही जाती है, ग्रीन लखनऊ, क्लीन लखनऊ की बातें वादे किए जाते हैं। हाँ तो ग्रीनरी देख सकते हैं आप, ग्रीनरी तो बहुत है, है ना सब भाई, टोटल ग्रीन, जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक ग्रीन ही ग्रीन आपको नजर आएगा। बात तो हकीकत है, सब ग्रीन, क्लीन लखनऊ की तो क्लीन लखनऊ इधर देख सकते हैं। ये क्लीन लखनऊ नहीं है, नैनीताल की हसीन वादी है। तो आपने देखा यहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं वो किस तरह की हकीकत को बयान कर रहे हैं, बेहद शर्मनाक बात है। सारे नेता, भाजपा के कार्यकर्ता भी चीज को मानने को तैयार नहीं है कि विकास नहीं हुआ है। हकीकत ये है, हम आपको यहाँ पे आए और दिखा रहे हैं कि यहाँ पे पानी निकाला जा रहा है। ये नगर निगम के कर्मचारी हैं, अभियंत्रण विभाग के लोग हैं, लगातार इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस तरह का छोटा छोटा काम कब तक चलता रहेगा? इस पुल की मरम्मत तो छोड़ो, नया पुल बनवाने के लिए ना तो बजट पास किया जा रहा है और ना ही किसी भी सरकारी नेताओं की, ना ही सरकारी विभाग वालों की नजर पड़ रही है। जब कोई बड़ी घटना हो जाएगी या बड़ी घटना होने का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इस पुल पर क्या बड़ा एक्शन लिया जाता है। THG न्यूज के देखने के बाद।